मैं बड़ा व्यथित हूं, दुखी हूं कि मेरा गुजरात, हमारा गुजरात, जहां पे महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि, जैनों की तीर्थभूमि, स्वामीनारायण भगवान की कर्मभूमि होने के नाते एक नशा और दारू से अलग हम रहे हैं। आज भाजपा की गुजरात की सरकार ने इस गुजरात में गांधीनगर के गिफ्ट सिटी के अंदर दारू बंदी को हटाने का, प्रोहिबिशन हटाने का निर्णय किया है और वहां अब शराब बिकेगी, लोग शराब पिएंगे। और इस तरह से करने से मेरे गुजरात को, हमारे गुजरात को एक बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहा है। पता नहीं कौन सी बड़ी आमदनी इनको दिख गई है या किसने कितने पैसे दे दिए हैं कि शराबबंदी को गिफ्ट सिटी से हटाने का निर्णय किया है। पूरे गुजरात में भाजपा के हफ्ते चलते हैं, पैसे खाते हैं और नशीली चीजें, शराब, जो शराबबंदी होने के बावजूद मिल रही है उसको टाइट करना चाहिए। प्रोहिबिशन पॉलिसी को बड़ी कड़ी सख्ती से वहां इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। वो नहीं करने के साथ साथ अब तो गिफ्ट सिटी में पिछले बैकडोर एंट्री करके प्रोहिबिशन को, नशाबंदी को हटाने का निर्णय भाजपा सरकार ने किया है। ये दुख की बात है। गुजरात में प्रोहिबिशन था, गुजरात में जो सरकारें थी पहले वो टाइट रहती थी कि कोई कहां पर भी प्रोहिबिशन का छूटछाट किसी को ना मिल जाए। इसी वजह से मेरा गुजरात, हमारा गुजरात प्रॉस्पर करता रहा है। यहां पे रियल इन्वेस्टमेंट, कागजी एमओयू नहीं, रियल इन्वेस्टमेंट में जब कांग्रेस की सरकार थी गुजरात देश में नंबर वन था। आज इस गुजरात को भाजपा सरकार ने बर्बाद करने का निर्णय लिया है, उसको वापिस ले, ये मैं मांग करता हूं। गांधी के गुजरात में भाजपा ने एक कीप सिटी है जो 15 किलोमीटर है मुख्यमंत्री के बंगले के पास से, तकरीबन 15 किलोमीटर में शराब की छुट्टी कर दी गई। वहां गिफ्ट सिटी में अधिकारी शराब पी सकते हैं, विजिटर शराब पी सकते हैं, कर्मचारी शराब पी सकते हैं। ये क्या मतलब है? ये तो गांधी जी का और पूरे गुजरात का अपमान है। आज सालों से, जब आजादी के बाद से गुजरात में दारू की निषेध है, शराबबंदी है, फिर भी यहां शराब बिकेगी, शराब पी जाएगी और गिफ्ट सिटी में छुट्टी मिल गई शराब की। ये तो हर हर गुजरातियों का अपमान है। वहां से आप 15-20 किलोमीटर अहमदाबाद में आइए तो वहां पे आपको FIR होगी शराब पे। इसलिए भाजपा ने, भाजपा की मंशा है कि धीरे धीरे करके शराबबंदी गुजरात से उठा ली जाए। और ये मंशा कभी हम गुजरातियों का अपमान सहन नहीं करेंगे, कभी मंशा ये पूरी नहीं होने देंगे। आम आदमी पार्टी सख्त शब्दों में इनका विरोध करती है। और अगर ये गुजरात सरकार का दारू, ये शराब की छुट्टी का निर्णय अगर वापस नहीं लिया गया तो आम आदमी पार्टी रस्ते पे आएगी।